मीरा भाईंदर के नागरिकों की सुविधा के लिए आरक्षित की गई भूखंडों को निजी व्यवसायियों को दिए जाने के फैसले के खिलाफ शिवसेना ने किया उग्र विरोध। शनिवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के महासभा में सत्ताधारी भाजपा ने स्कूल और मैदान के लिए आरक्षित भूखंडों को प्राइवेट कंपनियों के हवाले विकसित करने का प्रस्ताव लाया था, जिसका शिवसेना ने कड़ा विरोध करते हुए सदन के बाहर सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। मनपा आयुक्त तो बालाजी खदगावकर ने उन्हें मनाने की कोशिश की, जिसका सम्मान करते हुए शिवसेना के नगर सेवक उठकर चर्चा करने के लिए आयुक्त तो दालन में गए। अचानक महापौरांनी महासभा लावलेली आहे, त्या महासभेमध्ये आरक्षण बदलाचा विषय आणलेला आहे। ते आरक्षण शाळेचं आरक्षण असल्याकारणाने मीरा भाईंदरमध्ये 15 ते 16 लाख लोकवस्ती आहे। या लोकवस्तीला आपल्याला चांगलं शिक्षण द्यायला पाहिजे। तसं न करता मीरा भाईंदर महानगरपालिका ठेकेदारांच्या हातात हे आरक्षण देण्यासाठी आज त्यांनी हा आरक्षण बदलावाचा ठराव महापालिकेत आणलेला आहे, आणि त्या ठरावाच्या विरोधात आमचे आमदार संपर्क प्रमुख प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज सर्व मीरा भाईंदर नगरसेवक आंदोलनासाठी बसलेले आहेत, आणि हा विषय मागे घेणार नाही तोपर्यंत आम्ही सभागृहात जाणार नाही। आणि असेच या लोकांनी वारंवार विषय आणलेले आहेत। आता पुढच्या वर्षामध्ये डीपीचं आरक्षण येणार, डीपीचा प्लान येणार आहे, तरी देखील हे भ्रष्टाचार करून हे मीरा भाईंदर शहरामधील बऱ्याच अशा जागा आहेत तिथे आरक्षण बदली करत आहेत। हे सर्व महापौरांच्या आदेशाने चालू आहे आणि ह्याचा फार मोठा भ्रष्टाचार आहे, म्हणून त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही आज सर्व शिवसेनेचे नगरसेवक इथे आंदोलन करत आहोत। कारण असं आहे की आज महासभा आहे ना, महासभेत विषय आणलेला आहे की जे शाळेचं आरक्षण बदली करण्याचं आरक्षण आहे, जे आपल्या मीरा भाईंदरची 13 लाखाची आबादी आहे आणि त्यात बरेचसे गरीब लोक आहेत, गरीब लोकांची मुलं त्या शाळेत शिकणारे असतात, ती शाळा आपण बनवून त्या गरीब लोकांचा आरक्षण बदलून गरीब लोकांचा हक्क आपण मारणार आहेत, सत्ताधारींची ही खेळी आम्ही कामयाब होऊन देणार नाही, त्यामुळे आम्ही आंदोलनाला इथे बसलेलो आहे, त्यांचा निषेध व्यक्त करण्यासाठी इथे बसलेलो आहे। अगर आपने नोटिस किया हो तो अब हमारा डीपी प्लान बिल्कुल ही बनने में है, उसके बावजूद जब से एक साल से मैं देख रही हूँ जितनी बार महासभा होती है उसमें 1 या 2 37 के प्रस्ताव होते हैं। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि हमें इतनी क्या घाई है 37 प्रस्ताव लाने की, जब हमारा डीपी होने ही जा रहा है। दूसरा, मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि स्कूल की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी पॉपुलेशन दिन दिन बढ़ती जा रही है और स्कूल में एडमिशन अभी आप देखेंगे तो बड़े बड़े डोनेशन और उसके बावजूद एडमिशन नहीं मिलना, ये आम समस्या हो गई है। चलिए 37 लाना भी है तो हमारे पास कॉलेज का आरक्षण नहीं है। जो बच्चे कॉलेज जाते हैं यहाँ से जान जोखिम में डाल के आप ट्रैवल कर रहे हो लोकल में, तो उनके लिए वो बनाइए। मार्केट बना के आपने कोई भी समस्या हल नहीं की, और मार्केट रिजर्वेशन इतने हैं उसका क्या हुआ, हमने वो जानने की कोशिश की क्या कि इतने सारे मार्केट रिजर्वेशन में हमने क्या बनाया है, तो वो कहाँ है, उसकी तो एक बार जानकारी दे आयुक्त हमें कि हमारे मार्केट रिजर्वेशन के साथ क्या हुआ है, वहाँ क्यों नहीं हो सकती। हम हर एक कोई गार्डन की जगह पे मार्केट बना रहा है, कोई मैदान की जगह पे बना रहा है, कोई स्कूल की जगह पे बना रहा है, तो मार्केट रिजर्वेशन कहाँ गए सब, पहले तो हमें वो खोज करनी चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ कि ये प्रस्ताव बिल्कुल भी, मैं आपके सामने भी, मैं महासभा में भी उसका विरोध करने वाली हूँ और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि, और इसी स्कूल के प्रस्ताव को हमने कुछ सभा पहले मान्यता दी है कि यहाँ स्कूल बनाई जाए विथ 25% ऑफ स्टूडेंट टेकिंग फ्रॉम कॉरपोरेशन, तो अभी ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उसका आरक्षण बदलना है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं। हमारे चैनल YSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन बटन दबाए।